मुनिडी ओपी क्षेत्र के चतुड़ी बिंदुगढ़िया तालाब में नहाने के क्रम में दो युवक डूब गए। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। घटना में एक युवक की हुई मौत, दूसरे की हालत चिंताजनक। मुनिडी क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है इलाज। घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक का नाम रितेश सिंह 21 वर्ष, कोला कुसमा धनबाद, समुद्र सिंह का पुत्र, जो अपने मामा के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने जतुड़ी आया था। दूसरा युवक नवीन सिंह, जिसका गंभीर अवस्था में BCCL मुनिडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो बोकारो के रानी पोखर सुभाष सिंह का पुत्र है। वो भी मुनिडी के जतुड़ी अपने फूफा के घर कार्यक्रम में शामिल होने आया था। दोनों आज सुबह घर के समीप तालाब में नहाने गया, तभी ये घटना घट गई। अस्पताल में पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुटकी मुनिडी से वरुण वैद की रिपोर्ट। उसके मामा है, वहाँ पूजा था, तो पूजा में रात को आया था। उसके पापा, बहन, उसकी माँ और बाबू कब आए थे लोग? रात को, कल रात को। आज सुबह अपना मौसी, इसका जो मौसी है, भाई है, और दो मामा का बेटा छोटा छोटा हुआ। चार आदमी गया था नहाने, तो दो लड़का डूब गया और इसका मामा लोग हल्ला किया, उसको बच्चे लोग, तो वो निकल गया बाहर 10-15 मिनट पहले। बाबू रह गया आधा घंटा, उसी क्रम में हादसा हो गया। अच्छा, जो मरा उसका क्या नाम है? मृतक रितेश सिंह। रितेश सिंह, हाँ, प्रिंस बोलते थे हम लोग घर में, पापा का डेड है। और रहते थे कहाँ रितेश? कोला कुसमा में रहते थे, दिल्ली में पढ़ाई करता था। और ये अपने मामा का घर आया था? हाँ, मामा घर आया था, दिल्ली में पढ़ाई करता था, छठ में आया था घर। क्या चीज की पढ़ाई करता था? इंजीनियरिंग कर रहा था। आप क्या है? हम मेरा भाई है, वो अपना चाचा का बेटा। क्या नाम है? रमेश सिंह। ठीक।